वोट करना आप सब लोग, और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना, और वोट घंटी बच्चे थोड़ा मस्करी करते हुए निकल गए बेचारा। एक ये भाई जल रहा था, इसके बाल क्या है? इसलिए यहाँ मेरे को हमारे भाई साहब भी झंडा फहरा रहे हैं बड़ा। तो बहुत ही तगड़ा माहौल यहाँ पे देख लो दोस्तों, मतलब इंडिया के फ्लैग को देखे राउंड राउंड घूम के मतलब जश्न मना रहा है। भी जाके यहाँ तक पहुँच गई है छोटे भाई है, करवाई दी थी इनसे टीटी भाई। अब तो काफी हद तक जलसा, और अभी एक न्यूज मिली मेरे को, जो जलसा है वो अभी जो लास्ट वाला है वो अभी तक पूरी भीड़ दिखाता हूँ आपको सारे भाई एंजॉय करते हुए। सभी लोग फूल लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पे सभी को सम्मानित कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे ये शमशेर भाई आ गए यहाँ पे। हमारे शमशेर भाई है ना जो फेमस देखो मतलब मुस्कुराहट देखो सभी के चेहरे पे, मतलब सभी खुश है ना, मतलब हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख लो एक सभी का चेहरा देखो, मतलब बहुत ही जब स्टेडियम से स्टार्ट अभी तक मतलब सभी लोग इनके साथ फोटोज खिंचाते हुए जा रहे हैं है ना। यहाँ पे सब मिली चीज के अंदर सारे भाई वगैरह आ गए है ना। बहुत ही बढ़िया माहौल बन चुका है, मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है जैसे जाके आगे आ रही है तो बाप भाई भाइयों को देखो मतलब फूल ऑफ पीछे तक देखो मतलब सारे इस्लामिक फ्लैग वगैरह फहराते हुए। मतलब देखो छोटे बच्चा भी बैठा हुआ है, मतलब सभी लोग मतलब थकान तो किसी के भी चेहरे पे दिखने वाली नहीं है। मतलब देख लो यहाँ पर दोबारा हमारे सुंदर भाई को सम्मानित कर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार और अच्छा मोहल्ले। अब थोड़ा सा गला सूखने लग गया तो पानी की व्यवस्था अगर हो जाए तो पानी वगैरह पीते हैं। बाकी भाई साहब भीड़ 3 साल तक तो हुआ नहीं, फिर जब मौका मिला तो भाई साहब और ज़्यादा पूरे रास्ते आज में फर्क किया है। आज ही
भाई लोग हैं हमारे मोहल्ले के, ये सभी लोग आ गए ये सब, ये फिरोज बबलू ये सब हमारे सब भाई लोग हैं, है ना। फुल इंजॉय करते हैं और अलग ही। तो बबलू भाई तो कुर्सी भी बैठे हुए हैं, काफी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं सब इन्हीं की टीम में। दो शब्द हमारे रिवर्स के लिए, सरकार थोड़ा सा अपने चल ये तो Thank you.
आपकी दुआओं से, सपोर्ट से, आपसे मुलाकात वो और फर्स्ट ये भी आप लोग ये भी सबको कामयाबी दे अगर आपके चैनल को तमाम और हमारे मतलब आप ऊपर को मतलब हिम्मत है।
इसके साथ में आशी के रसूल आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लैग लेके मतलब भाई लेके खड़ा हुआ है, उसके कपड़े भी देखो मतलब पूरे भीगे हुए हैं, उसके बावजूद भी मतलब इस्लामिक फ्लैग के साथ कंट्री का फ्लैग भी मतलब बराबर में लेके खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है क्योंकि भाई लोग स्टंट विस्टंट करते हुए निकल रहे हैं तो यहाँ पे जोश में आ गए। और एक और देखो ऊपर देखो गाड़ी के मतलब दबा के भरे हुए सब के सब लोग इस्लामिक झंडे वगैरह लेके, और तो काफ़ी भीड़ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैमरे के ऊपर करके, और भीड़ देखी दोस्तों आपने कितने तगड़े लेवल की भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जालोरी गेट सर्कल तक लमसम हम पहुँच गए, और आज तो मेरा शोल्डर भी दर्द करने लग गया, रीज़न मैं बैग कैरी कर रहा हूँ साथ में, तो काफ़ी चीज़ें मेरी रखी हुई है बैग के अंदर। तो आज काफ़ी मज़ा आया, जो लास्ट के जो शॉट्स हैं वो मैं वहीं पे लेने वाला हूँ जालोरी गेट सर्कल पे, तो वहाँ से क्या प्रॉपर व्यू भी आ जाएगा। और जो कंजेस्टेड एरिया में तो गर्मी की भी दिक्कत रहती है, प्लस जो भीड़ भाड़ एरिया है वो बहुत खराब भी होता है, बहुत ही बंद है, तो इसके लिए ठीक है। इसलिए यहाँ पे ढोल वगैरह लेके मतलब ढोल वगैरह लेके सब निकल रहे हैं आदमी के रसूल, ऐसा भीड़ एक हम पैर रखने की जगह नहीं, पैर रखने की मेरे लेडीज वगैरह है वो इंजॉय कर रहे हैं मूवमेंट को, थोड़ा मस्करी बच्चे थोड़ा मस्करी करते हुए निकल गए बेचारा एक, ये भाई चल रहा था इसके बाल क्या हैं इसलिए छोटे बच्चे थोड़ी मस्करियाँ कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ऐसा आ रहे मेरे दो एक मेरे भांजे वगैरह भी हैं, ये छोटे बच्चे मजे करते हुए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सारी लेडीज़ जितनी भी है वो यहाँ से देखे आप खूब तक देखोगे तो लेडीज़ में भी खूब उत्साह है ना। सर्कल तक आ गया भाई साहब, सर्कल का माहौल दिखाता हूँ मैं यहाँ से दूर से, आप देखो मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, जैसे कि अमीन बख्श साहब ने बताया, क्या अमीन बख्श साहब ने बताया था 2 लाख प्लस क्राउड है भाई साहब, उम्मीद नहीं थी और 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये चीज़ सुन के मेरे को बहुत ही खुशी मिली कि 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, जो भीड़ है इस जलसे के अंदर मतलब 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो भाई साहब बहुत ही बड़ी बात है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा शांत माहौल है पर भीड़ भाई साहब, हाँ भीड़ देखो ऊपर नहीं, जहाँ पर जगह दिख रही है वहाँ पे आपको क्राउड देखने को मिल जाएगा। आप मैं हल्का सा कैमरे को ऑफ करता हूँ, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, मतलब आगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद में माहौल ये होने वाला है। और भाई मिल गए और क्या चल रहा है, हंसते देखो बहुत
अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं। और आगे भी अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी अपने आप सभी के सपोर्ट करना तो दो सब चलते सर्कल के लिए। सफोकेशन हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अब भीड़ में तो सफोकेशन तो मिलने वाला है ही। क्या देखो मक्का शरीफ का मतलब एक छोटा सा स्टेचू बना के लेके जा रहा है, और यहाँ पे मदीना शरीफ का जो गुंबज है वो है। तो भाई साहब मैं तो तलाश एक बढ़िया जगह की जाते भी काफ़ी रख रहा है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब व्यवस्था बनाने में बहुत सपोर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई न्यूज़ वगैरह हो रहा है। तो अपन अब चलते हैं उस वाली जगह पर क्योंकि प्रॉपर जो व्यू है वो वहीं से मिलने वाला है, और नहीं तो फिर अपन को आगे चलना पड़ेगा। आगे चलते तो स्टेज लगा हुआ है सामने, मेरे को दिख तो रहा है तो वहाँ पर चलते हैं। मेरे को एक जगह दिख गई है और यहाँ पे दोस्तों देखो इंडिया का इतना बड़ा फ्लैग लेके भाई चल रहा है। सामने मेरे को एक बढ़िया स्टेज दिख रहा है तो वहाँ के लिए चलते हैं। नवीन जनरा जागरू मंच मेरा हार्दिक स्वागत करता है। मेरे को एक बढ़िया जगह राजा भैया स्टेज पर तशरीफ लाए। मतलब ये खाने वगैरह की व्यवस्था की है ना मुस्लिम युवा वर्जिश क्लब के स्टाफ का भी हार्दिक स्वागत की व्यवस्था करी। अब यहाँ से आप देखो जलसा पूरा प्रॉपर आपको देखने को मिलने वाला है। मैं सोच रहा हूँ आगे वाली पे चल। राजा भैया कहाँ ये थोड़ा सा पीछे हो गया तो मैं सोच रहा हूँ आगे वाली पे उस्ताद भी ऊपर तशरीफ लाए हो। वहाँ से थोड़ा सा व्यू ढंग का आएगा तो उस पर कोशिश करते हैं आराम से खड़े होने की। और आप देखो दोस्तों मतलब यहाँ से आपको प्रॉपर व्यू देखने को मिलने वाला है, जितनी भी झांकियाँ वगैरह आ रही है तो आपको यहाँ से प्रॉपर व्यू दिख जाएगा। तो यहाँ से सभी लोग अंदर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे अमीन भट्ट साहब और जफर खान जी वहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं सभी को। और यहाँ से जो सारी झांकियाँ होती हुई फिर वहाँ से महावीर कॉम्प्लेक्स होके आगे के लिए निकल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये इस ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पे मैजिक टेम्पो एकता यूनियन जो है उन लोगों की तरफ से यहाँ पे जितने भी आशिक रसूल हैं उन लोगों के लिए मतलब खाने की और ये व्यवस्था की गई है। तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है कि ये 7 बजे तक चलने वाला है मेला पूरा, किसी भी जाम क्या होता है ये रहेगी। तो काफ़ी नए फैमिली मेम्बर्स भी बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो गर्मी तो लग रही है पकड़ खड़ा रहना पड़ेगा, करें क्या ऐसा भी नहीं है खड़ा रहना पड़ेगा। देखो दोस्तों पीछे से व्यू देखो आप मतलब फुल लो ये सारी झांकियाँ निकल रही है काफ़ी लंबी और काफ़ी दूर तक है। तो
तंबे तो लग रही हैं अभी, मान के चलो। देखिए पाँच आपको दिखने वाली है काफी भीड़ यहाँ पे। छोटा भाई भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आप जाके देखो, यहाँ भी पूरे सभी लोग इस मोमेंट का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा कोई है पीछे, देखते हैं आगे चल के देखते हैं कि कितनी जाके वगैरह रहेगी। देखो रोड के उस तरफ भी चल सकता था पर वहाँ से व्यू प्रॉपर आता नहीं, और यहाँ पर थोड़ी छाँव भी मेरे को मिल रही है। और यहाँ से जितनी भी जाके में बच्चे बूढ़े जो भी बैठे हैं वो लोग भी कवरअप हो रहे हैं। तो बाकी आप देखो यहाँ पे सभी लोग, अब मेरा तो यही मूड है तो जैसे चलता रहूँ। दोस्तों एक मेरे को बहुत बढ़िया बोर्ड दिखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कौमी एकता का जो मैसेज होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे शिव दल, श्री राम व्यवनशाला, बजरंग दल, पवन पुत्र, मतलब काफ़ी सारे जो संगठन हैं यहाँ पे कौमी एकता का मैसेज दे रहे हैं इस जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन। जो दिन की इतना पाक दिन है, हमारे जो रसूल पाक के आज उनका जन्मदिन है उन्हीं की शान में आज ये जुलूस निकल गए। और
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये जो आप मैसेज दे रहे हो हम भी इतना था, क्योंकि देखो ऐसा है ये परंपरा रही है और वही परंपरा और हमेशा रहेगी, हर जगह झगड़े हमेशा नहीं होता, सही कह रहे हो आप, और ये हमेशा रहेगी। कोई जाके शुरू पीछे तक आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे रिलीज वगैरह भी है, तो काफी मजा आ रहा है भाई, है ना। और फील्ड में शूट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और ये सारे बच्चों में उत्साह देखो यहाँ पे, मतलब बहुत ही उत्साह के साथ। और ये देखो ग्रास से, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, ग्रास से ये पूरा बना रखा है मदीने शरीफ का गुंबज, तो बहुत ही अच्छा लगा। और तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं, देखते करे गया।
सभी इमामा वगैरह बांध के, ये मेरे ख्याल से कोई मदरसे के कोई होंगे बच्चे वगैरह, तो वहाँ से होंगे और अब घर के लिए जा रहे हैं। हालांकि जागी है तो काफ़ी सारी बाकी है अभी। अब यार भाई मेरा तो फ्रेंड बच गई, तो यहाँ पे अखाड़ा दिख गया मेरे को, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अखाड़ा चलाते हुए आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों, मतलब ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। यहाँ पे भाई देखो ये अखाड़ा चला रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से छिप्पा वर्जिस क्लब छिप्पोकाबाद से हैं सभी लोग। बाकी बहुत ही एक्चुअली इन चीज़ों के लिए काफ़ी प्रैक्टिस होती है और काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस भी करते हैं। उसके बाद में सर थोड़ा सा यो दिन पट आ एक बार थोड़ा सा ये दूर कर रहे हैं, बट अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये शॉट देखो दोस्तों, मतलब अखाड़ा सिर्फ यहीं पर दिखा मेरे को, मतलब तलवार के साथ में ये यहाँ पे अखाड़ा चला रहे हैं। और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है इन चीज़ों के लिए। अब देखो उन्होंने स्वॉर्ड हाथ में लिए और वो ओरिजिनल है ना कि आर्टिफिशियल, मतलब ओरिजिनल स्वॉर्ड को वो यूज़ कर रहे हैं। अब देखो मतलब इनकी स्किल्स देखना, मतलब बहुत ही डेंजर रहता है, बट प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और अगर अनुभव नहीं है तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। देखो आप दोस्तों पूरा मतलब एक्सपीरियंस बोलता है इन चीज़ों के लिए। तो मतलब ओरिजिनल स्वॉर्ड है इनके हाथ में तलवार से, ये अखाड़ा चला रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो अब आगे के लिए निकलते हैं। यहाँ पे वही इंडिया का फ्लैग देखने को मिल गया ढोल के साथ में। ये चीज़ें मतलब बहुत अच्छी लगती है, मतलब दिल खुश हो जाता है इन चीज़ों को देख के। बाकी एक बीच में सेंटर में इंडिया का फ्लैग रखा गया है ना, तो बहुत ही बढ़िया लगा। अब वो भाई तो फहरा रहा है इंडिया के फ्लैग को, क्या मूवमेंट है दोस्तों, दिल खुश हो जाता है ऐसी चीज़ों को देख के। आपको देखने को मिल जाएगी, सारे अपने अपने मतलब मोहल्ले से आए हैं, मतलब सुबह से चल रहे हैं, थका कोई भी नहीं। ये सबसे बड़ी बात कि मतलब एक तो वो होता है कि इंसान थक गया, थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मक्का शरीफ की एक बना रखी है यहाँ पे, मतलब ये आर्टिफिशियली है, कपड़े से पूरा इसको डिज़ाइन किया है। और देखो छोटे बच्चे भी मतलब यहाँ पे फुल जोश के साथ में